सो हेलो गाइस, और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। चैनल पे मैं सेफ्टी रिलेटेड और यूटिलिटी रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स रिव्यू करता हूँ। आज का वीडियो भी ऐसे ही दो प्रोडक्ट्स के बारे में है। एक प्रोडक्ट वो है जो सेफ्टी रिलेटेड है, दूसरा वो है जो यूटिलिटी रिलेटेड है। अगर आप लॉन्ग राइड्स करना प्रेफर करते हो तो मैं कहूँगा कि ये दोनों प्रोडक्ट्स आपको ज़रूर लेने चाहिए। और स्पेशल थैंक्स टू gearbest.com फॉर प्रोवाइडिंग दिस प्रोडक्ट्स फॉर रिव्यू। अब GearBest अगेन इज अ इंटरनेशनल वेबसाइट जहाँ से आप प्रोडक्ट मंगा सकते हो, और कस्टम्स कोई भी नहीं लगा, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे। और चलिए फिर शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ और इंस्टॉलेशन के साथ। सो गाइस, जो पहला प्रोडक्ट है वो है ये प्रो बाइकर के नी गार्ड्स। अब प्राइस की बात करें तो 1200 रुपये इसकी प्राइस है, अराउंड $20। एंड आई थिंक कंसिडरिंग द प्राइस विच यू पे फॉर इट, द क्वालिटी इज एक्चुअली क्वाइट गुड। नाउ अच्छी क्वालिटी के बैग के अंदर ये आते हैं, और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी। वेलक्रो के जो स्ट्रैप्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। प्रो बाइकर रेसिंग इक्विपमेंट की ब्रांडिंग इसके ऊपर की गई है। स्पंज और जो पैडिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा थिक है, तो काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन वहाँ पर प्रोवाइड करेगा। सेंटर की तरफ यहाँ पर हमें प्लास्टिक का ये हार्ड प्रोटेक्शन दिया हुआ है, और उसके नीचे भी और पैडिंग। साइड में प्रो बाइकर की यहाँ पे ब्रांडिंग की गई है, थोड़ा अट्रैक्टिव लुक वहाँ पे हमें देखने मिलता है। अब स्ट्रैप्स की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये फिट हो जाएगी आपके नीज़ के ऊपर। और यूनिवर्सल साइज़ है गाइस ये। अंदर की तरफ भी अच्छी क्वालिटी की पैडिंग यहाँ पर दी गई है, और ब्रीदेबल मटीरियल है, तो ज़्यादा टाइम तक अगर आप इसे पहनोगे तो गर्मी नहीं लगेगी, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है ये मोटरसाइकिल चार्जर और फ़ोन होल्डर। अब बॉक्स के ऊपर ज़्यादा डिटेल नहीं है यहाँ पे। बॉक्स खोल के सबसे पहली चीज़ जो हमें देखने मिलती है वो है इसका होल्डर और चार्जर और एक्स्ट्रा पैड्स। अगर आपका फ़ोन थिन है तो आप इसे यूज़ कीजिए। और पीछे की तरफ इसका एडजस्टेबल स्क्रू, जिससे आपकी साइज़ अनुसार आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। और लॉकिंग मैकेनिज़्म काफ़ी ज़्यादा आसान है यहाँ पर। 6.5 इंचेस तक के स्मार्टफोन्स को ये आराम से ले लेगा। पीछे की तरफ 5 वोल्ट 2 एम्प का हमें चार्जर देखने मिलता है, तो 2 एम्प है, मतलब ये नॉर्मल चार्जर से ज़्यादा फास्ट करेगा। सो गाइस, दूसरी बैग के अंदर हमें इसका नॉर्मल बार हैंडल बार का और क्लिप ऑन के लिए मिरर माउंट मिलता है। मतलब अगर आपकी एक्टिवा है या फिर आपके बाइक को क्लिप ऑन हैंडल बार है, तो आप इसे आसानी से मिरर्स के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो, तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पर। और एडजस्टेबल रबर के जो ग्रिप्स है वो भी इसके साथ ही प्रोवाइडेड है, तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको अच्छे से जो मेजरमेंट्स है उसके अनुसार ही यहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है। और ऊपर की तरफ यहाँ पे हमें बॉल हेड देखने मिलता है, तो चाहिए वो डायरेक्शन में आप इसे सेट कर सकते हो। हमारा चार्जर है यहाँ पे, और कंटिन्यूस सप्लाई बैटरी से इसको आएगा, पर मुझे इसे कंटिन्यूस सप्लाई नहीं देना है। एट द सेम टाइम इसे रिमूवेबल बनाना है, क्योंकि अगर मैं इसे बैटरी के साथ इंस्टॉल कर दूंगा यहाँ पे, तो इसको निकालना और वापस से अटैच करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये H7 के कनेक्टर्स है दो वायर्स के साथ, तो इस चार्जर की वायर को मैं बीच में कट करूँगा यहाँ पे इतनी जगह पे, और इसे बीच में सोल्डरिंग कर देना है। वो कोई भी नॉर्मल सी हार्डवेयर या फिर जहाँ पे रिपेयर होती है वहाँ पे आपको करके मिल जाएगा। और होगा ये कि जब चाहिए मुझे ये यहाँ से, मैं इसे रिमूव कर पाऊँगा। अभी आपको मैं क्विकली बताता हूँ कि कैसे ये काम करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये रिमूवेबल बन जाएगा, यानी कि थेफ्ट प्रूफ। तो बाइक पे लगा के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बाकी के लोग भी इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो जब मैं रहूँगा बाइक पे ऑब्वियसली, तभी मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। और ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान है यहाँ पे।
इस तरीके से इसको कनेक्ट करना है। यहाँ पे वायर अटैच किए, स्लीव चढ़ाया है, ये मेल कनेक्टर और ये बैटरी के यहाँ पे जो कनेक्ट होगा वो है फीमेल कनेक्टर के साथ। सो गाइस, फ़ोन होल्डर और माउंट को इंस्टॉल करके हो गया है और ये यहाँ पे इसका कनेक्टर है, मैंने इस तरीके से इसको कुछ रखा है, तो सिर्फ इसको प्लग इन करना है अंदर और नीचे उसको अच्छे से सिक्योर किया हुआ है, तो प्लग इन करते ही ये लॉक हो जाएगा वहाँ पर। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हो एक ब्लू कलर की लाइट है, एलईडी लाइट इसके अंदर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो से जानकारी मिली, अगर मिली हो, चैनल पे नए हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपका दोस्त रेविट आप कर रहा हूँ, शाइनिंग ऑफ, राइड सेफ एंड एज ऑलवेज डोंट बी अ स्क्विड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।